पियो। हाँ वैसे तुम पिया तो नहीं हो। पहले कभी हमका देखियो? हाँ, दो तीन तस्वीर में देखे। आखिरी समय का कहना है? उका होश कहाँ रहे? और हमका खुद 7 बजे पता चला घर पहुंचे के बाद। मतलब यू कि आखिरी समय तुम हुआ नहीं रहे हो? तुमका कैसे पता चला? फोन किए रहन स्कूल में। अफसोस तो हुआ हुई कि दिल बहलावे के एक चीज मुफ्त में हाथ से निकल गवे। तुमका शर्म नहीं आवत है? अरे जो मर गवा है उके खातिर हम तुमका कैसे समझाए कि वो हमारे लिए का रहा है? तो तुम मिले चाहत रहो हमसे? हाँ। काहे? क्योंकि तुम्हें तो हो, मतलब हमें दोनों जने तो हम जो एक दूसरे के दुख का समझ सके थे। हाँ, हमका दिए एक बात तो तुम इतना समझत हो। कुछ गलत है इमा? नहीं, लेकिन हाँ जिम्मेदारी एक पर डाल दिए से सच्चाई तो साबित हो जाते है, लेकिन असली मायने में कुछ साबित नहीं हो पाता। यानी कि जो कुछ हम करें वो अपनी खुशी से करें। और तुम्हारी यह खुशी हमारे लिए का बनी? इके परवाह हम काहे करें। और हाँ, केवल हम ही अकेले तो गुनाहगार नहीं है, इनके लिए ना अगर जवाब लेना चाहत हो, अगर वही हाथ ना बढ़ोती तो यू कैसे मुमकिन है? कब से रहा यो सिलसिला? 1 साल से थोड़ा कम। पहली मुलाकात? स्कूल में है। एक दिन हम रोड पर मिल गए, फिर राम खिलावन के टपरी पर जाके चाय पिया, उसके बाद बंद मक्खन भी खावा। अकेले कहा को रहे? अब जाहिर सी बात है कि हम इन कहे हुए भाई। तो पहली बार उका हाथ हुए था मेरा हो? हाँ। वह एक बार भी हटाइस नहीं? नहीं। तुम लोग बैठे कहाँ रहो? ज्यादातर तो हम लोग स्कूल में बैठे रहे। पहली बार उका हुए चूमे रहो? मत पूछो। काहे? क्योंकि तकलीफ हुई। वह तो तब से हुई रही है जब से मालूम हुआ। पता है वही हमेशा तुम्हारे बारे में बात करती रहे। तुमका आलू की सब्जी बड़ी पसंद है, लेकिन सब्जी में तुम लहसुन नहीं खाते हो। जलेबी तो तुमका बहुत ही पसंद है। ठंडा पानी पिए से तुम्हारा गला खराब हो जाता।
कबो कबो तो हमका ऐसा लागत रहा है कि जैसे हमका सजा दे रही हूँ। तुम इतना नहीं सह पाओ हमका। हम सिनेमा देखे नहीं जीत रहे क्योंकि हुआ पर तुम प्रपोज करे रहो और चूड़ी लिए सद्दाम की दुकान नहीं जीत रहा है क्योंकि तुम हुआ अपने विवाह की बात करे रहो। कौन नहीं जाग चाहत रहा है? दोनों लोग काहे? क्योंकि उनका लागत रहा है कि उनका पहले का तजुर्बा बेकार हो जाए, लेकिन हमका हमेशा यह चुभन रहत रहा है कि शायद कल की रात तुम उनका छुए रहो या फिर आज की रात फिर तुम उनका छुई हो। हमका तो कोनो तरह की कोई चुभन नहीं रहा है। जब वे हमरे पास रहा है तो ऐसा लागत रहा है कि बस एक के अलावा कोई दरकार नहीं। सारा इत्मीनान, सारा सुख, सारा सुकून यही तो है। लेकिन नहीं, बिल्कुल गलत रहा है वे लम्हा। पूरा का पूरा एहसास गुमराह रहा है। हमहू यह इल्जाम लगाया है ना उन पर कि वे केवल हमारे पास अपनी शादी के उकताहट दूर कर रहे हैं, लेकिन तीखी तीखी बातें सुनने के बाद जब वे अपन खोपड़ी नीचे करके उंगली का अपने आंचल से खुलते बंद करती रहे और फिर थोड़ी देर बाद अपन खोपड़ी ऊपर करके खूब बड़ी बड़ी आंखों से देखती रहे तो फिर तो तुम पहचान ले रहे हो कि यह खासियत। दरअसल सबसे पहले अगर कोई चीज़ हमका अपनी ओर खींचीस रहा है तो यह उनकी नज़र रहा है और उनके वह हंसी जो हम सैकड़ों लोगन के बीच में भी पहचान सके थे। तो तुम उनका बुरी तरह से नहीं ले हो, यानी कि सस्ते ढंग से ले होतन तो विवाह की बात होत कब हो? का कहीं है? कहीं हमका वक्त चाहिए। तीन बार वक्त भी लिए लेकिन कोनो नतीजा तक ना पहुंच पाए। काहे? काहे कि शायद तुमका छोड़ा नहीं चाहते या तो फिर वो इतना साहस नहीं जुटा पा रही रहा है कि तुमसे साफ साफ बता दिए, या तो फिर वही दोनों रिश्ता बरकरार रखना चाह रहे हैं। शायद बीते दिन के खातिर हमका कोई हमदर्दी ना चाहिए। हम भिखारी ना। छुट्टी लिए हो? हाँ, लेकिन बढ़ा लिया। बेहतर ना हो कि काम माही उलझ कर हम हो छुट्टी ले रहा, लेकिन खालीपन ये कदर दिलो दिमाग पर छा जाते है कि दबाव से नसें फटे लगती है। कुछ दिनन खातिर कहूं बाहर चले जाओ तो शायद जा रहे। पिछले कई दिन से हम यह सोचे थे कि अगर यह डिब्बी या कोई और चीज हमका ना मिलता है तो का गलत हो जाए। हमका इसके बारे में कुछ ना मालूम हो। हम यह सोचे क्योंकि होते हुए सब कुछ ठीक रहा, लेकिन अब इत्मीनान का वह एहसास धुंधला काहे हुई हुआ है और उन दिनों की यादों से अब चुभन होता जब तुम हमारे बीच नहीं रहो और सुकून की वह चमक अब झूठी लागत है। ऐसा लगा था कि छुईबे तो उंगलियन में उतर आई।